पहले यहां पर उपस्थित प्रतापगढ़ के लोकसभा के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है, मैदान के बाहर भी लोग हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं। मैं दूर तक देख रहा हूं, पेड़ की छाया में तो है ही लोग, लेकिन जहां छाया नहीं है अपने गमछे से दोपहर की धूप बचाते हुए हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो जन सैलाब है, ये जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है, ये जन सैलाब जन समर्थन इस बार डॉक्टर एसपी सिंह जी को न केवल जिताने जा रहा है बल्कि प्रतापगढ़ यहां के लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा में भेजने जा रहे हैं। इधर थोड़ा मौसम बदला है, चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है और हमारे लोगों ने अखबारों में और कई जगह पढ़ा होगा कि इधर क्लाइमेट चेंज की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। उन्होंने जब नारा दिया था हमारे साथियों, थोड़ा सोच समझ के समझिए, जिस समय उन्होंने नारा दिया 400 पार, हमें और आपको लगा कि कहीं 400 की गिनती की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सही समझ में आया तो बात यह समझ में आई कि बीजेपी के लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और 543 में 400 पार केवल 143 सीटें हैं। लेकिन जो जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी, इनकी सीटें बढ़ने जा रही नहीं है। और हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सुनने में आया है कि जनता का गुस्सा देख करके यहां के प्रत्याशी का आंख में आंसू निकल आए, ये तो अभी जनता की छठी इंद्री के बारे में नहीं जान पाए हैं। जो सिक्स सेंस है जनता का, आप देख लेना, जिस समय चुनाव का बोर्ड पड़ेगा और चुनाव सातवें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी सातवें आसमान पर दिखाई देगा। इनके 10 साल में 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 1 और 1 11 हो गए हैं, तब से दिल्ली और लखनऊ का एक एक इंजन आपस में टकरा रहा है। जब से कांग्रेस और समाजवादी 1 और 1 11 हुए हैं, तब से ये जो कहने वाले डबल इंजन वाले, डबल इंजन दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है और ये जीरो होने जा रहे हैं, जीरो होने। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि 80 सीट में 1 में लड़ाई है,
क्योटो में, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का 80 में 80 का सफाया होने जा रहा है। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको इन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे, कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाइयों, किसी भी किसान की, गांव में रहने वाले नौजवान, उनके परिवार की, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। और आय दोगुनी तो दूर, इन्होंने महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ा दी और लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो, और चाहे कीटनाशक दवाइयां हो। यहां तक जब किसान को डीएपी खरीदने के लिए जाना पड़ा बाजार में, तो इन बीजेपी वालों ने नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवा दी। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। और दिल्ली वालों ने तो दिल्ली से अपना सामान अमान बांध लिया है, और ये सब छठवें सातवें वाले चुनाव में आ गए हैं। वो जानते हैं अब दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है। और जो जनता को धोखा दिए थे, इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है अपने वोट से। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि कोई भी इस सरकार में परीक्षा हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, और जब नौजवान घर लौटा तो उसे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई है। और केवल रद्द नहीं हुई है, लगातार इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए, और सरकार ने इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, रोजगार न देना पड़ जाए। मैंने कई मौकों पर और फिर कहता हूं कि जो नौजवानों की परीक्षा रद्द हुई है, उससे लगभग 60 लाख बच्चे नौकरी से दूर हो गए। और अगर नौकरी से 60 लाख बच्चे दूर हुए हैं, उनके मां बाप को जोड़ दें तो एक परिवार तीन लोग नाराज हैं सरकार से, और अगर हम तीन का गुणा 60 लाख से कर दें तो 1,80,00,000 होते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया, जिसकी कोई भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। न केवल इन्होंने नौकरियों से नौजवानों को दूर रखा, बल्कि नौजवान साथियों हिसाब किताब लगाना, एक तिहाई जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया। पिछले 10 साल में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। और यही नौजवान जो अपनी फौज की नौकरी के लिए तैयारी करता था, सड़क पर दौड़ता था, खेतों में गांव में जहां जगह बना करके अपनी तैयारी करता था, फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था, लेकिन इन बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं,
ये जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की है हम समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार बनेगी, सरकार में जो नौकरियां खाली है 30 लाख, वो नौकरियां तो भरी जाएंगी, नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी, साथ ही साथ जो फौज की आधी अधूरी नौकरी है अग्निवीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को जब देखता हूं तो मुझे याद आता है कि जब बीजेपी फौज की नौकरी 4 साल की कर सकती है तो अगर ये सत्ता में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए हम इन्हें भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ भारतीय जनता पार्टी ने सभी हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दी कि नहीं बेच दिए, ट्रेनें बेच दी कि नहीं बेच दी, हवाई जहाज जो सरकारी थे वो बेच दिए कि नहीं बेच दिए, और सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर संविदा में नौकरी कर दी कि नहीं कर दी। जब ये सब कुछ कर सकते हैं, अग्निवीर लागू कर सकते हैं, नोटबंदी लागू कर सकते हैं, तो ये भी लागू हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको भी सावधान करने आया हूं। महंगाई कहां पहुंचा दी बीजेपी के लोगों ने सोचिए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से भी चोरी हो गई। जो खाद चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी हो गई खाद। बताओ आपकी बोरी से खाद की 10 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? मैं कभी कभी हिसाब किताब लगाता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी इन्होंने, तब मुझे याद आता है कि पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है इन्होंने। जिन लोगों ने बाजार में देखा होगा पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था पार्ले जी बिस्किट पैकेट, बताओ आज कितना बड़ा हो गया? पहले आता था बड़ा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कमाना कम नहीं किया, जो बड़ा पैकेट था वह छोटा होता चला गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है, ये सरकार में आ जाएंगे तो आपको 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा, 1 बिस्किट का पैकेट। आपने देखा डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन बताइए आपकी मोटरसाइकिल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की है? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और बाजार में अगर आप दवाइयां लेने जाते होगे, बताओ बुखार की दवाई महंगी कर दी कि नहीं कर दी? कुछ दवाइयों के पत्ते छोटे कर दिए, कुछ छोटे कर दिए, दवाई महंगी कर दी। और जो आम लोग दवाई लेते थे, चाहे वो पेट दर्द की हो, चाहे बुखार की हो, और कभी देखना जा करके, पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg की गोली खाने में, आजकल डॉक्टर के पास जाओगे आप तो बुखार उतारने की 650 mg की गोली दे रहे हैं। बताओ इन्होंने धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी, ये हमारे पुलिस के भाई लोग लगवाना नहीं चाहते थे तब भी लगवा दी इनके, और अब
वैक्सीन से जान को खतरा हो गया कि नहीं हुआ खतरा पैदा? जान को खतरा पैदा हो गया। और अब वैक्सीन वाले बोल रहे हैं कि वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। हमें कोई बता दे जो वैक्सीन शरीर में चलेगी वो वापस कैसे ली जाएगी? कोई बता दे, हमें बताएं बीजेपी के लोग कि जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई है वो सही से वापस कैसे लोगे? केवल इन्होंने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरा पैदा तो किया ही किया, लेकिन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने चंदा भी वसूल लिया। बताओ, चंदा वसूला कि नहीं वसूला? बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा ले लिया, 1,000 करोड़ ले लिया, 500 करोड़ लिया, 400 करोड़ लिया, और ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो चंदा लिया है उसकी वजह से भी महंगाई है। जहां भ्रष्टाचार बढ़ाया है इन्होंने, वहीं महंगाई भी बढ़ाई है इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर के। और जब कभी भी कोई इनसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में पूछे तो बताओ कोई जवाब है इनके पास के नहीं है? ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल दी और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया पूरे देश और दुनिया में। ये चुनाव से पहले बहुत अच्छा राशन की चर्चा करते थे, राशन दे रहे थे सबको, 2022 में राशन दे रहे थे। आज बताओ, राशन जो दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है? पहले तो चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, बताओ आज राशन में क्या दे रहे हैं लोग? राशन भी कम कर दिया। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ना केवल आपका राशन बढ़ाया जाएगा, राशन की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी, जिससे हमारे गरीबों को भर पेट खाना मिल जाए पूरे परिवार को, और राशन की गुणवत्ता मात्रा बढ़ा करके जिस तरीके से आपने बाजारों में देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग जो पैकेट का आटा है गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक है वो लेकर के खा रहे हैं, तो अपने गरीबों को जहां राशन बढ़ाएंगे वहीं पौष्टिक आटा के साथ साथ अपने गरीबों को डाटा फ्री दिलाने का भी काम होगा। क्योंकि पौष्टिक आटा से उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, और जब डाटा होगा तो हमें चलने पढ़ने और जानकारी हासिल करने का भी हमें मौका मिलेगा। क्योंकि आज डाटा के बिना कुछ नहीं चल रहा है। डाटा पहले फ्री मिलता था, लेकिन अब डाटा के भी पैसे ले रहे हैं। इसलिए पौष्टिक आटा गरीबों को और उसके साथ साथ डाटा फ्री देने का काम भी आने वाले समय की सरकार में होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये लखनऊ और दिल्ली वाले हम लोगों को मिलकर के गुमराह कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, बहुत से बच्चों को मिल गया था, उसी की नकल कर करके ये सरकार ने बड़ा नहीं दिया, कितना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया और इतना घटिया दिया है कि आप उसमें उंगली घिसते रहो वो चलता ही नहीं है। आपके एम्बुलेंस दी थी गरीबों के लिए, गांव में पहुंच करके मदद करे, और अपनी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस दी थी। इन्होंने एम्बुलेंस तो खराब की है, लेकिन अस्पताल भी बर्बाद कर दिए। किसी गरीब का आप सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा, और ये दिल्ली वालों ने 10 साल में
और उत्तर प्रदेश के सरकार ने 7 साल में कोई भी एक ऐसा जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें हमारे गरीबों को फ्री इलाज मिल जाए, दवाई मिल जाए और सब तरह का उनको सुविधा मिल जाए। कोई इंतजाम नहीं किया। ये जो 100 नंबर वाली पुलिस बनाई थी हम लोगों ने, 100 नंबर वाली पुलिस बनाई थी, गाड़ी दी थी हम लोगों ने, वो गाड़ी भी ये वो नौजवान हमें दिखाई दे रहा है जिसकी ताकत में दम है, ये अग्निवीर नहीं, फौज के लिए पक्की नौकरी के लिए पक्का है, ये दोनों हाथ से पकड़ो बेटा नहीं गिर जाओगे अभी दूसरे हाथ से, हमने सबने देख लिया तुम्हारी हाथ में बहुत ताकत है, सबने देख लिया, और ये ताकत हरे के हाथ में नहीं होती है, इतना कोई नहीं चल सकता है, ये तो फिजिकल यूं ही पास कर जाएगा, इसको जरूरत नहीं है और किसी चीज की। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे गांव के और गरीब नौजवान इतना मजबूत है शरीर से कि उसे पक्की फौज की नौकरी मिलनी चाहिए, इसीलिए अग्निवीर नहीं स्वीकार करेंगे, हम लोग पक्की नौकरी देना चाहेंगे। इसलिए इस समय हम आप सबसे अपील करने आए हैं, अपने सभी प्रतापगढ़ के साथियों से अपील करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। ये आखिरी में इसका समर सॉल्ट था, ये जो आखिरी में मारा इसका समर सॉल्ट था, इसलिए प्रतापगढ़ के अपने सभी साथियों से मैं निवेदन करने आया हूं, बताओ इस चुनाव में सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे सावधान, बताओ आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया, अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है, और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए, बताओ आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही, और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं, और अभी तो जब मैं आया मंच पे दिल्ली वाले भी आए थे, उनकी जनता नहीं थी, इसी मैदान में आए थे सुनने में आ रहा है, वो बाद में सोच रहे होंगे कि कहां चले गए, यहां की जनता तो बदलाव चाहती है, इसलिए बदलाव करोगे आप लोग, हम ये गिनने के ये सीट जीतने जा रहे हैं, इस बार तो छठवां सातवां चरण पूरा भारतीय जनता पार्टी को सफाया करता हुआ जा रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा, इसलिए धोखा तो नहीं खाओगे आप लोग, अब इन पे कोई रास्ता नहीं बचा है, अब इन पे रास्ता है कि किसी को मना लो, किसी को कुछ कर दो, कुछ कर दो ये भी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कैसे पकड़े गए ये वोट की चोरी करते हुए, याद है आपको नहीं याद है, बताओ मणिपुर में इन्होंने महिलाओं को अपमानित किया कि नहीं किया, और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर बूथ पर आपको जाने से रोके रुक तो नहीं जाओगे आप लोग, ऐसा तो नहीं कि अगर बूथ पे आपको रोके तो रुक जाओगे आप पूरा वोट डालोगे, पूरा वोट डालना है आपको इस बार, तभी परिवर्तन आएगा। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, ये लोग जो सत्ता में 400 पार का नारा दे रहे थे वो संविधान बदलना चाहते थे, लेकिन
जो बहुजन समाज के लोग हैं और हम समाजवादी लोगों ने संकल्प लिया है कि जो संविधान बदलने को निकले हैं उन सबको हम लोग बदलने का काम करेंगे। आप देख लेना, बड़ी बड़ी होर्डिंग जो लगाई दिल्ली वालों ने, उसमें से तो बहुत सारे लोग पहले ही गायब हो गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब गायब हो गए। इसलिए जहां ये हमारे आपके भविष्य का और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो मिलकर के संविधान बचाना चाहते हैं। ये संविधान रहेगा तो हमें आपको अधिकार मिलेंगे, ये संविधान रहेगा तो हमें न्याय मिलेगा, यही संविधान है जो हमें आरक्षण दिलाता है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे और आपके लिए संजीवनी है, संजीवनी। इसलिए जहां 2024 का चुनाव सरकार बदलने का है, वहीं संविधान बदलने का भी चुनाव ये 2024 का है। इसलिए मदद करिए, और हम लोगों ने तय किया है कि अपने किसानों का भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए माफ कर दिए, 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हम अपने गरीबों को, किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके लाखों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे, और आपकी फसल के लिए कानूनी अधिकार दिला करके आपको MSP भी दिलाने का काम होगा। जहां MSP दिलाएंगे किसानों को, वही हमारी माताओं बहनों को याद होगा, हम लोगों ने कभी 500 रुपए उन्हें पेंशन देने का काम शुरू किया था, उसके बाद कन्या विद्याधन दे रहे थे 30,000 रुपए। इधर जब चुनाव दूसरी बार हुआ तो हम लोग 6,000 उनको समाजवादी पेंशन देने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। इस बार कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार अपनी गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में 1,00,000 रुपए पहुंचा करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे, 1,00,000। वही हमारे 69,000 वाले नौजवान जानते होंगे शिक्षक, इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, हम इनको न्याय दिलाएंगे। वही हमारे अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इन शिक्षा मित्रों को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो समाजवादियों ने, जैसे ही सरकार आई तो फिर उन्हें पीछे कर दिया गया। ये दिल्ली की योजना थी, दिल्ली से शुरू हुई थी, इसलिए अपने शिक्षा मित्रों को हम कह के जा रहे हैं, जहां शिक्षक भर्ती बढ़ाएंगे वहीं शिक्षा मित्रों को भी मदद करेंगे, और हम अपनी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इनकी हमेशा लड़ाई रही है, संघर्ष रहा कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, हम लोग मिलकर के इनका मानदेय दोगुना कर करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग, ये मान ले कि आज चुनाव प्रचार के बाद सब लोग अपने बूथ पे चले कर जाकर के इंतजाम करेंगे, तैयारी करोगे सब लोग मिलकर के। मैं जानता हूं डॉक्टर SP पटेल जी ने बहुत मेहनत की है, कोशिश बहुत की सब लोगों से मिलने, इसी का परिणाम ये हुआ है कि इनके पक्ष में समीकरण भी बन गया, अंगरज भी बन गया, और समर्थन इतना बड़ा मिल रहा है कि लाखों लाख वोट से इस बार जीत करके जा रहे हैं। मैं एक बार फिर जिन दलों ने हमारा साथ देने का काम फैसला लिया है, मैं सभी दलों का धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि इस लड़ाई में जहां पर हम लोग अपना संविधान बचाने के लिए निकल पड़े हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जब इतना बड़ा हमें समर्थन मिला है तो आपका संविधान भी बचेगा और दिल्ली की सरकार भी हट जाएगी। इसलिए मदद करिए और इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दो। वो जिताओगे आप सब लोग।